Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy for Insects. So friends, हम हेयर के बारे में बात कर रहे थे और हेयर हमारा लमसम कंप्लीट हो गया था. उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लगभग सारे कंप्लीट हो गए थे, लेकिन उसमें फिर भी कुछ पॉइंट्स रह रहे थे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस. सो बेसिकली हेयर का एग्जामिनेशन करने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना चाहिए. सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है नेट के पर्पज़ से, और वैसे भी मतलब इसका आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज़ करने चाहिए या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं. इसके अलावा जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बस कुछ टचअप देने को बचा हुआ है, तो यहाँ पर बस वही थोड़ा सा बचा हुआ है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो कि है फिज़िकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस ऑफ हेयर एविडेंस. सो एग्जामिनेशन ऑफ हेयर एविडेंस में लगभग सारी ही चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना होता है कि जो हमें एविडेंस मिला है वो एक्चुअल में हेयर है या नहीं है. उसके अलावा हेयर है तो वो एनिमल का है या ह्यूमन का है. अब हमको पता चल गया कि वो ह्यूमन का है, तो हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बॉडी के किस पार्ट से ओरिजिनेट हुआ है. इसके अलावा उस हेयर का से हमें ये पता करना होता है कि उस हेयर का जिस भी इंडिविजुअल का है उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, वो किस रेस से बिलोंग करता है. तो ये सारी चीज़ें कुछ आपको पता करनी होती हैं. इसके अलावा ड्रग का डिटेक्शन कर लेते हैं और ऑक्यूपेशन का फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर कुछ अनयूजुअल अपियरेंस हमको मिलता है हेयर में, जैसे कि कुछ मोल्टन एंड्स हैं या फिर कप एंड कोन स्ट्रक्चर बना हुआ है या फिर क्रश्ड हेयर है. ठीक है, तो ये सारा कुछ कैसे कैसे होता है, तो ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इन्फॉर्मेशन डिराइव विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन हेयर वाले वीडियो में. और उसके अलावा जो और भी टॉपिक्स हैं तो वो मैंने कुछ सेपरेट वीडियो सबके बने हुए हैं. ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है वो सारे के लिए, उन सब के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा. और जिन्होंने देख रखा है तो उनको ऑलरेडी सब कुछ पता होगा और सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी बहुत अच्छी तरह से. ठीक है, तो यहाँ पर हम बस ये देखने वाले हैं कि जब हमें एग्जामिनेशन करना होता है तो हम उसमें करते क्या हैं. एक्चुअल में हमने पता तो कर लिया कि वो ह्यूमन का है या एनिमल का है या इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन हम उसका इंफॉर्मेशन निकालने के बाद करेंगे क्या. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं. तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ही हम हमारा जो भी उसका हेयर का कलर था, एरिया ऑफ ओरिजिन था, ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर में डिफरेंस था. ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इंक्लूड हो जाता है. इसके अलावा जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, क्योंकि वहाँ पर हम उसकी एपिथेलियल सेल्स का यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर रहे थे. उसके अलावा उसमें जो एज का फाइंड आउट करना था, रेस का फाइंड आउट, रेस का तो हम फिजिकली देख के ही बता देते हैं, तो वो तो हमारा माइक्रोस्कोपिक में ही चला जाएगा. ठीक है, तो जिन जिन चीज़ों के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ रहा था उसको हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इंक्लूड कर देंगे, और जो जो चीज़ें हमको फिजिकली देख के बतानी थी वो सारा हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इंक्लूड कर देंगे. ठीक है, इसके अलावा जब भी हमें कोई हेयर सैंपल मिलता है तो उसमें दो जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें, जैसे कि जो हमारे एक स्टैंडर्ड है, एक क्वेश्चन सैंपल है. ठीक है, बेसिकली हम अपना रिजल्ट तभी दे पाएंगे जब हमारे पास स्टैंडर्ड भी होगा, हमारे पास क्वेश्चन सैंपल भी होगा. ठीक है, तो जब हमारे पास दोनों ही होते हैं तो हमें उन दोनों का कंपेयर करना होता है. तो जब हम उनका कंपेयर करेंगे तो हम कंपैरिजन में जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी वो सारी की सारी तो हम एग्जामिन करेंगे ही. उसके अलावा जो डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर हेयर. इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो भी पर्टिकुलर हेयर का रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो डेंसिटी होता है और जो रिफ्रैक्शन होता है पर्टिकुलर हेयर का, हर एक इंडिविजुअल के हेयर का, वो सभी का कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता ज़रूर है. ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम बहुत ही अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमें हमारे पास क्वेश्चन सैंपल है और जो स्टैंडर्ड सैंपल है वो सिमिलर है या नहीं है. इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड सैंपल होगा तो वो एक हमारे पास कल्प्रिट का ही होगा या फिर हो सकता है कुछ सस्पेक्टेड पर्सन का होगा. तो इस तरह से हमको अगर सिमिलर मिल रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा स्टैंडर्ड हेयर है और जो क्वेश्चन सैंपल है वो दोनों ही जिसका है, मतलब जो स्टैंडर्ड सैंपल हमने जिससे लिया है वो हमारा कल्प्रिट या फिर उस केस से रिलेटेड होगा गारंटी के साथ. ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही जो क्वेश्चन सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल का जो डेंसिटी ग्रेडियंट या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलर नहीं आया है, डिससिमिलर है, अलग अलग है, तो उस इंडिविजुअल का उस पर्टिकुलर क्राइम से हो सकता है कि कोई रिलेशन ना हो. ठीक है,
तो इस तरह से डेंसिटी ग्रेडियंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से बहुत कुछ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट कैसे होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेस्ट कैसे होता है, तो इसके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो आ जाएगा जब ये फॉरेंसिक एग्जामिनेशन वाला मैं वीडियो अपलोड करूँगी, फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस वाला सॉरी, उसके जस्ट बाद जो वीडियो आएंगे वो यही दोनों के होंगे। डेंसिटी ग्रेडियंट का सेपरेट आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेपरेट आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है, तो वो अच्छे से मैं उसको एक एक करके पॉइंट वाइज अच्छे से डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जामिनेशन जब करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेस्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी हम माइक्रोस्कोपिक का एग्जामिनेशन करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक में बेसिकली हमें कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है, और जो हम मैग्नीफिकेशन करेंगे तो वो हाई मैग्नीफिकेशन होगा, अप्रॉक्स 100 मैग्नीफिकेशन से 400 मैग्नीफिकेशन तक रहता है। और जो आपका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन था उसमें हम उसकी लेंथ, कलर और बाकी सारी चीज़ें जो कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि हमें नेकेड आई से देख जाए, वो सारा का सारा मैक्रोस्कोपिक में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से तो आपका हो जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेयर एविडेंस, जिसमें कि आपका मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक डेंसिटी ग्रेडियंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेस्ट आता है। और जो डेंसिटी ग्रेडियंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेस्ट है ये सिर्फ हेयर के ही लिए नहीं, जितने भी तरह के मैंने आपको ट्रेस एविडेंसेस बताए थे, आपको याद होगा मैंने लमसम सभी में ये सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि जो सॉइल वाला था उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, लेकिन डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट फिर भी उसमें हो रहा था, ठीक है। तो जितने भी ट्रेस एविडेंसेस थे उन सभी में लमसम लमसम डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो मैं जस्ट इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बाद में जो वीडियोस आएंगे तो इन्हीं दोनों के आएंगे, तो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे ही इस तरह के ट्रेस एविडेंसेस का एग्जामिनेशन कंपैरिजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंटेशन। सो बेसिकली यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ करते हैं हेयर का एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं अलग अलग तरह के, कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप है, तो वो तो होता ही है। उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस सबसे पहले तो आ जाता है, क्योंकि जब भी हेयर की बात होती है तो हेयर में बहुत सारे तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होती है उसका जो यूज़ होता है बेसिकली जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका फाइंड आउट करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की हेल्प से बेसिकली हम 15 एलिमेंट्स का डिटेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और ये 15 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आपका आ जाता है आर्सेनिक, ठीक है। इसके बाद में आपका आर्सेनिक के बाद में आपका हो जाता है ब्रोमीन और Sb, दैट मीन्स आपका एंटीमनी हो गया, कॉपर हो जाता है, और इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड एंड मैग्नीशियम, मरकरी, इरिडियम, सेलेनियम, सोडियम, लैंथेनम, जिंक एंड स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि जिसकी हेल्प से हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की हेल्प से इन सारे ही तरह के एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, ये सारे ही तरह के एलिमेंट्स के रिप्रोड्यूसिबल क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है ये हो गया, इसके अलावा इसी के जैसा एक सेम काम करने वाला होता है इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है आयन माइक्रोप्रोब मास एनालाइजर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IMMAB कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी सेम तरह से जैसे कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से भी हम एलिमेंट्स का ही डिटेक्शन कर रहे थे, यहाँ पर भी हम सेम एलिमेंट्स का ही डिटेक्शन करेंगे, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का डिटेक्शन करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन मैप अभी बनता है, जैसे कि जो भी हेयर है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आयन माइक्रोप्रोब मास एनालाइजर में। इसके अलावा ये जो दो हैं ये तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, इसके अलावा जो बाकी के दो हैं पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी एंड पायरोलिसिस मास क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों भी यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें जो है रिसर्च वर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें काम होता है। सो सबसे पहले तो पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस में थर्मल फ्रेगमेंटेशन होता है सब्सटेंसेस का, दैट मीन्स
जो भी कोई भी पार्टिकल है तो उसके जो भी फ्रेगमेंट्स होंगे उसमें कुछ टेम्परेचर देते हुए उसको ब्रेक किया जाएगा। अभी इसमें हेयर के साथ हम क्या करते हैं, हेयर में क्या होता है, हेयर को हम एक क्यूरी पॉइंट पायरोलिसिस टेम्परेचर पर, मतलब एक हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है उस पर हम हेयर को हीट करते हैं, जिससे कि उसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं या जितना भी उसका वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं वो सारे अलग अलग हो जाएं। ठीक है, तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 764 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर पे जो हमारा हेयर रहता है इस क्यूरी पॉइंट पे हम हेयर को रखते हैं पायरोलिसिस करने के लिए फॉर 10 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी वोलेटाइल फ्रेगमेंट्स होते हैं हेयर के वो क्या करते हैं पायरोलिसिस प्रोसेस के द्वारा मतलब अलग अलग हो जाते हैं, और जितना भी वोलेटाइल फ्रेगमेंट्स या जितना भी वोलेटाइल हमें मिलता है उस सभी को हम जीसी और एमएस के द्वारा एनालाइज करते हैं। तो अभी जीसी और एमएस में क्या होता है, जीसी में क्या रहता है कि जितने भी गैसेस होती हैं उसको फ्लो किया जाता है। तो इसमें जैसे वोलेटाइल सब्सटेंस आपका मिल गया, अब वोलेटाइल को थोड़ा सा और हीट करेंगे तो वो गैस के फॉर्म में आ जाएगा। अब उस गैस को जीसी से पास कराते हैं एंड देन मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, आपके जो भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसी का एक चार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पीक के फॉर्म में आपका इस तरह से कुछ जी एमएस में मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कुछ आपका एक डेटा निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरह से पीक्स को हम देखते हैं। तो ये जो पीक्स होती हैं कुछ अपर हैं कुछ लोअर हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ह्यूमन का हेयर रहता है उसमें इन कंपैरिजन टू अगर हम एनिमल हेयर करें तो ह्यूमन हेयर की जो पीक्स होती हैं वो थोड़ा सा हाई रहती हैं, और ह्यूमन ओ सॉरी एनिमल हेयर की जो पीक्स रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों को हम आपस में कपल करके हम एनिमल और ह्यूमन हेयर में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ उसके क्यूटिकल कॉर्टेक्स मेडुला और ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी उनको देख के हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम इन दोनों का यूज़ करके करेंगे तो भी हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारा डॉग हेयर है और ह्यूमन हेयर है उसमें थोड़ा सा फाइंड आउट करना उतना ज़्यादा ईजी नहीं हो पाता है। ठीक है, वैसे तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं लेकिन फिर भी कई सारे इस तरह के हेयर मिल जाते हैं जिसमें हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर हम इनका यूज़ करके भी करेंगे तो भी हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी एंड पायरोलिसिस मास, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, एक मास क्रोमेटोग्राफी नहीं होगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होगा। ठीक है, तो ये होता है पायरोलिसिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीजीसी एंड इसको हम बोलते हैं पीएमएस। ठीक है, तो अब ये दोनों अलग अलग नहीं यूज़ होते हैं, जब भी हम हेयर के लिए यूज़ करते हैं तो हम इनको साथ में कपल करके यूज़ करते हैं, तब हम उसको कहते हैं पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जैसे आपने सुना ही होगा गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री दोनों कपल करके यूज़ किए जाते हैं, बस यहाँ पे पायरोलिसिस ही ऐड हो रहा है। पायरोलिसिस का क्या मतलब है, किसी भी सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसके जो भी वोलेटाइल सब्सटेंसेज है वोलेटाइल फ्रेगमेंट्स है उनको सबको सेपरेट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की वर्किंग होती है, लेकिन ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें जो है रिसर्च वर्क की रिक्वायरमेंट है इसको, अगर आप रिसर्च वर्क होगा इसमें तो इसका भी यूज़ धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ काम होता है पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी एंड पायरोलिसिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। ठीक है, तो बेसिकली इतने ही तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हेयर के एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है वो रहता है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। लेकिन जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है तो उससे भी उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं हेयर पे या और भी बहुत सारे केमिकल्स वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उनका भी इफेक्ट आपके हेयर पे पड़ता है। तो इस तरह से उनके जो केमिकल कंपोनेंट्स रहते हैं तो उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, तो इसलिए एक्यूरेटली हम उतना नहीं बता सकते हैं कि जो रिज़ल्ट मिला है हमको वो जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के से ही मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट हमारा मिसमैच भी कर सकता है। ठीक है, तो सब लेकिन फिर भी जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है उसका यूज़ हेयर के एग्जामिनेशन में किया जाता है फॉर द एलिमेंटल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली इतने ही तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका कि हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे फोरेंसिक सिग्निफिकेंस, और फोरेंसिक सिग्निफिकेंस कंप्लीट होने के बाद में हम बात करेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेस्ट की। ठीक है,
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।